हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विंडोज़ की कुछ ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप अपने डेली लाइफ के काम को और आप अपने फ्रेंड्स में अपना एक कंप्यूटर एक्सपर्ट का इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो, उन्हें आप इम्प्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हमने किसी यूजर के पासवर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें उस यूजर का जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड होता है, करंट पासवर्ड होता है, वो हमें पता होना चाहिए। बट जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक में आपको अगर पासवर्ड नहीं भी पता है तो भी आप अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो आप रन में cmd टाइप कीजिए और इसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास कमांड है नेट यूजर। तो आपने नेट यूजर टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको आपके जितने भी यूजर्स हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी स्क्रीन पर। तो अब हमने मान लीजिए इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि यहां पर इस यूजर पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो आपको अगर हम नेट यूजर स्पेस यूजर नेम टाइप करते हैं तो हमें इस यूजर की जो करंट डिटेल है वो सारा शो हो जाता है। और यहां पर जो हमारा ये यूजर है इस पर पासवर्ड लगा हुआ है वो हमें यहाँ से शो होता है कि पासवर्ड रिक्वायर्ड यस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लॉगिन करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें ये पासवर्ड नहीं पता है कि हमारे इस यूज़र का क्या पासवर्ड है। तो हमने क्या करना है, हम नेट यूज़र स्पेस यूज़र नेम और उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम फ्रेंड्स इंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये आउटपुट मिलता है, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जिसका मतलब क्या है कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक कि आपने अपने यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करना है बिना आपको अगर उसका करंट पासवर्ड नहीं पता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर में टास्क बार ओपन करना है तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है कि आप कंट्रोल अल्ट टैल प्रेस करते हो और यहां से आप सिलेक्ट करते हो टास्क मैनेजर, तो आपका टास्क मैनेजर ओपन होता है। सेकंड क्या होता है कि आप यहां सर्च में टास्क MGR या टास्क मैनेजर पूरा टाइप करते हो और जब आपको टास्क मैनेजर यहाँ पर मिल जाता है आप ओपन पर क्लिक करते हो और हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। बट जो मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट आज बताने जा रहा हूँ। तो आपने करना क्या फ्रेंड्स, आपने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप इकट्ठा तीनों कीज को प्रेस करना है और आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसे मैं बंद कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अपने विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करोगे और आप यहां पर टाइप करोगे %win_dir%, उसके बाद system32/drivers/etc, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है और आपने इस फाइल को ओपन करना है और ये फाइल आप डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारी फाइल यहाँ पर खुला हुआ है। एक मेथड और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ फाइल को ओपन करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है नोटपैड। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे यूज़ करें क्योंकि अगर हम रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं नोटपैड को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने रन में नोटपैड टाइप किया
और उसके बाद आप यहां से जो अपना वो पाथ है उसे ओपन कर लेंगे। सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड एसेट्रा। अगर आपकी विंडोज सी के अलावा किसी और पार्टीशन में है तो आप वहां पर जाएंगे पहले, और यहां पर हम ऑल फाइल्स पर क्लिक करेंगे और होस्ट फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेव करते हैं जब हमें इशू कई बार आ जाता है कि आपका फाइल है जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो सेव एज करनी पड़ती है फाइल, तो आप इस तरह से ओपन करें। अब हमने जिस यूआरएल को ब्लॉक करना है उस यूआरएल का यहां पर हम एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने फेसबुक को ब्लॉक करना है तो हमने अपना आईपी एड्रेस दिया 127.0.0.1 उसके बाद www.facebook.com और उसके बाद आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दो तीन एड्रेस डाल के एग्जांपल दे देता हूँ, बट फ्रेंड आपको ये थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि ये यूआरएल किन किन एड्रेसेस से ओपन हो सकता है, वो हमें यहाँ पर सारे इनपुट देनी पड़ेगी, यहाँ पर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो जैसे फेसबुक मान लीजिए तीन तरह से ओपन होता है, www.facebook.com, facebook.com और fb.com। तो हमने अपने एड्रेसेस ऐड कर लिए हैं, और ये क्या होता है फ्रेंड, जो 127.0.0.1 है ये हमारे कंप्यूटर का लूपबैक एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आप समझिए कि हमने ये एड्रेस डालना है और जिस वेबसाइट को ब्लॉक करना है उस वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम अपने ब्राउजर पर जाते हैं, मैं इसे एक बार बंद करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप फेसबुक ओपन करोगे तो आपका फेसबुक ओपन नहीं होगा, आपको एरर शो होगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप जब चाहते हैं कि फेसबुक को अनब्लॉक करना है तो आपने जो हमने ये होस्ट फाइल में लाइंस ऐड की हैं आप इन्हें डिलीट करोगे और उसके बाद आप इस फाइल को सेव करोगे और अपने ब्राउजर को अगर हम दोबारा बंद करके खोल लें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ऐसे भी कोई इशू नहीं है, ओपन हो जाता है, तो आप अपनी वेबसाइट्स को असेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि अब हमारा, जब हमने वहाँ से एंट्रीज रिमूव की, हमारा फेसबुक ओपन हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है कि हमें अगर अपनी वेबसाइट का एड्रेस चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस चाहिए हो तो आपने क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप सीएमडी में जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और यहाँ पर आप यूज करोगे पिंग स्पेस, जो भी वेबसाइट का आपको एड्रेस चाहिए उस वेबसाइट का यहाँ पर आप यूआरएल डालिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पर आपने क्या करना है, आप पिंग के बाद जो हमने यूआरएल एड्रेस डाला है इसकी जगह आप अपने कंप्यूटर का नेम डाल देंगे नेटवर्क में से जिसका आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। ये क्या है कि आपने कैसे अपने वाईफाई का पासवर्ड पता करना है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब आपके पास एक कंप्यूटर है जिस पर वाईफाई कनेक्टेड है बट आपको उस वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता, तो मैं आपको ये कमांड बताने जा रहा हूँ, इसके थ्रू आप उस वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हो, देख सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड आपने सेम क्या करना है, आप सीएमडी में जाओगे, उसके बाद नेट एसएच स्पेस डब्ल्यू लैंड डालोगे, ये अपना वायरलेस के लिए है, और उसके बाद आप टाइप करोगे शो प्रोफाइल, ठीक स्पेस, फिर आपने अपने वाईफाई का नाम देना है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हमारा ये वाईफाई है और इसका स्टेटस देखिए इस समय ये कनेक्टेड है, तो हमने अपने इस वाईफाई का नाम टाइप करना है जो भी है,
ओके, तो हमने अपने वाईफाई का नाम टाइप कर दिया, फिर हम स्पेस देंगे और यहां पर कमांड डालेंगे कि इक्वल टू क्लियर, और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें अपने वाईफाई का पूरा प्रोफाइल शो हो जाएगा, इसका वर्जन, नेम, सारी इंफॉर्मेशन। और यहां पर की इक्वल टू कंटेंट के सामने हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपने वाईफाई के एड्रेस को फाइंड कर सकते हो, शो कर सकते हो, जो भी इस समय अपने पास यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि हम लोग कैसे किसी भी अपने वाईफाई के एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारा इस समय कनेक्टेड है करंटली। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है वो है कि हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक वेबसाइट्स को। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हमारी बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे YouTube हो गया, Facebook हो गया, ये आपको ब्लॉक की हुई होती हैं प्रॉक्सीज के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। और अगर आप उन वेबसाइट्स को असेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे www.proxysite.com। ओके, और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखोगे ये हमारे पास एक प्रॉक्सी साइट ओपन हो चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इंटर यूआरएल में क्या है कि जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट है आपने उसका एड्रेस टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ फेसबुक ब्लॉक्ड है और हम उसे ओपन करना चाहते हैं स्कूल कॉलेज में, और आप उसका एड्रेस टाइप करोगे और गो पर इंटर प्रेस कर दोगे और इसके अंदर प्रॉक्सीज के अंदर आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ज्वाइन फेसबुक और लॉग इन टू कंटिन्यू, हमारा ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये था फ्रेंड हमारी ट्रिक कि हमने कैसे किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को असेस करना है अगर वो हमारी यहाँ पर ब्लॉक्ड है। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, हमें अपने नेटवर्क की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम एक बार अपने स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और हम अपनी कमांड को रन करते हैं। तो इस ये हमारी कमांड है ipconfig space /all। तो आप देखोगे कि हमें हमारे नेटवर्क की जितने भी इंटरफेस है, इथरनेट कार्ड है, चाहे आपका वायरलेस कार्ड है, उसकी आपको टोटली इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड हमारी कमांड कि हमने कैसे अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अगर शो करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने अगर अपने फोल्डर्स को हिडन करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट फोल्डर्स पड़े हैं और हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे ब्रदर सिस्टर या बच्चे कंप्यूटर पर काम करते हैं और जो वो फोल्डर्स है आप चाहते हो कि आप उन फोल्डर्स को कोई टच ना करे, कोई फाइल ना डिलीट हो जाए गलती से उनसे, तो उसे कैसे सेव करेंगे। जैसे ये हमारे पास गेटवे का फोल्डर है और यहाँ पर मेरा सारा डाटा पड़ा है प्रीमियम प्रो का और जो इनके इंस्टॉलर वगैरह प्रीसेट्स वगैरह। अब मैं अगर इन्हें हिडन करना चाहूँ और अब फिलहाल ये यहाँ पर शो हो रहा है तो वो कैसे होगा। हमने फ्रेंड करना क्या है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पर और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना हिडन पर और हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल्स पर ओके पर क्लिक करोगे और उसके बाद इसे आप एट्रीब्यूट्स हमारे अप्लाई होंगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। बट ये देखिए थोड़ा ये फेड हो चुका है बट ये शो हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि हमारा ये जो है
हिडन फोल्डर्स को शो करने वाली ऑप्शंस विंडोज में अनेबल्ड है। तो आप व्यू में जाएंगे और उसके बाद आप यहां पर हिडन आइटम्स हैं जो शो हो रहा है उसे अनचेक कर दोगे और आपका ये फोल्डर आपके यहाँ कंप्यूटर में शो नहीं होगा। जब कभी भी आपको इसको शो करना है, आपको इसकी जरूरत है, आप यहाँ व्यू में आकर हिडन आइटम्स पर दोबारा चेक लगा दोगे और ये शो होने लग जाएगा। अब अगर इसके एट्रीब्यूट को बंद करना है तो आप इसे प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से ये टिक आप रिमूव कर दीजिए। इस तरह से ये हमारा फोल्डर फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने फोल्डर्स को हिडन और कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर बात करते हैं जो कि हमारी आज की वीडियो की लास्ट ट्रिक है कि हमने कैसे किसी भी पार्टीशन को हाइड करना है। फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बने होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे यहाँ पर सी डी ई तीन पार्टीशन है और इनमें से किसी एक पार्टीशन में मेरा इम्पॉर्टेंट डाटा पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि वो जो डाटा है मैं अपने दूसरे यूजर से हाइड रखूँ ताकि मेरा कोई इम्पॉर्टेंट डाटा मिसयूज ना हो और डिलीट ना हो जाए। तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स देखते हैं। तो हमने करना क्या है फ्रेंड, आप यहाँ सर्च में जाओगे और टाइप करोगे gpedit.msa और gpedit को ओपन कर लोगे। और जैसे हमारा ये एडिट ओपन होता है तो हम इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस में। यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे हम विंडोज़ कंपोनेंट में और विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर जाएंगे हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में। इसे बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा मुझे देखने में इशू आ रहा है। ये रहा फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप जाओगे हाइड दीज स्पेसिफिक ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो करना है तो आप अनेबल पर क्लिक करोगे। अनेबल पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें ऑप्शन शो होगा कि रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स और आप इसे ड्रॉप डाउन करके ओपन कर लोगे। यहां पर आपको सारी आपकी अलग अलग ड्राइव शो हो जाएंगी। अब हमने डी ड्राइव को हिडन करना है तो आप रिस्ट्रिक्ट डी ड्राइव ओनली सिलेक्ट करोगे और अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दोगे। और अब अगर हम अपने माई कंप्यूटर में जाकर दिस पीसी में जाकर इसे रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे कि आपकी डी ड्राइव हाइड हो चुकी है। अब जब कभी आपने इसे अनहाइड करना है तो सेम आप यही प्रोसेस अप्लाई करोगे। gpedit में आओगे, उसके बाद यूजर कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडोज कंपोनेंट, फाइल एक्सप्लोरर और अपने इस हाइड दिस स्पेसिफिक ड्राइव को ओपन करके यहाँ पर इसे नॉट कॉन्फ़िगर कर दोगे। ओके अप्लाई करोगे और इसे अपना रिफ्रेश करोगे ब्राउजर को तो आपकी ड्राइव वापस आ जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स कि विंडोज 10 के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।